जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MNTV। जाति समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर एक विकराल मामला है। व्यवहारिक तौर पर देखें तो यह एक ऐसी संस्था है जो परिचंड परिणामों का संकेत देती है। यह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन एक ऐसी समस्या जो बड़ी क्षति को जन्म दे सकती है। जब तक भारत में जाति अस्तित्व में है, हिंदुओं के लिए संभव नहीं होगा कि वह अंतरजातीय विवाह करें या बाहरी लोगों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया बढ़ाएं। और अगर हिंदू पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में जाते हैं तो फिर भारतीय जाति व्यवस्था विश्व समस्या बनेगी। वर्ष 1916 के मई महीने में कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानव वंश शास्त्र विभाग के सेमिनार में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में जाति, उनकी प्रणाली, उनका उद्गम और विकास पर अपना पेपर पढ़ा था। पेपर पढ़ते हुए उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि किस तरह जाति व्यवस्था विश्व समस्या बनेगी। उनके बोल थे, अगर हिंदू दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचते हैं तो फिर भारतीय जाति व्यवस्था विश्व समस्या बनेगी। उनके इस वक्तव्य के 104 साल बाद उसी अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई यह खबर इस बात की ताइद करती है। ध्यान रहे, कैलिफोर्निया राज्य सरकार की तरफ से वहां की एक अग्रणी बहुदेशीय कंपनी सिस्को सिस्टम के खिलाफ दायर एक मुकदमे के बहाने यही बात नए सिरे से उजागर हुई है, जिसका फोकस वहां कार्यरत एक शेड्यूल कास्ट इंजीनियर के साथ वहां तैनात दो कथित ऊंची जाति के इंजीनियर द्वारा जातिगत भेदभाव की घटना से है। जब पीड़ित शेड्यूल कास्ट इंजीनियर ने कंपनी से इस बात की शिकायत की तो कंपनी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। इसलिए उस शेड्यूल कास्ट इंजीनियर को राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ केयर एम्प्लॉयमेंट की शरण लेनी पड़ी। मालूम हो कि कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ केयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि किस तरह से सेंट जोस स्थित सिस्को कंपनी के मुख्यालय में, जहां दक्षिण एशिया के लोग बहुलता में तैनात हैं, वहां उपरोक्त शेड्यूल कास्ट इंजीनियर को प्रताड़ित किया गया तथा उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई, क्योंकि वह शेड्यूल कास्ट तबके से संबंधित था। सिस्को सिस्टम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति प्राप्त कंपनी है, ऐसी कंपनी में जाति भेद के मामले की उपस्थिति के इस प्रसंग से ऐसी कई बातें सामने आती हैं जिन पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती। यह वह बातें हैं जिसकी तरफ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो अमेरिका में बसे शेड्यूल कास्ट का एक फोरम है, ने कैलिफोर्निया के उपरोक्त डिपार्टमेंट को लिखे खत में संकेत किया था, जब यह लिखा कि यह घटना दरअसल एक व्यापक परिघटना को प्रतिबिंबित करती है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी घटनाएं दक्षिण एशियाई बहुल संस्थानों में काफी प्रचलित हैं। एक मोटे अनुमान के हिसाब से अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोग एक प्रमुख एथनिक समूह के तौर पर मौजूद हैं, जिनकी तादाद 43 लाख के करीब है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से आने वाले लोग मुख्यतः कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, टेक्सास, इलिनॉयस और कैरोलिना में बसे हैं। अगर एक पुराने अध्ययन को देखें, जिसे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने 2003 में किया था, तो वहां बसे 25 लाख भारतीयों में 90% ऊंची जाति से थे और लगभग 1.5% लोग शेड्यूल कास्ट या अन्य पिछड़ी जातियों से थे। अगर हम इक्वालिटी लैब्स द्वारा अंजाम दिए गए सर्वेक्षण को देखें, जिसमें अमेरिका में बसे दक्षिण एशियाई मूल के 1500 लोगों से संपर्क किया गया, उसमें इस बात की पुष्टि की गई कि दक्षिण एशियाई बहुल अमेरिकी संस्थानों में शेड्यूल कास्ट को विभिन्न किस्म के जातिगत भेद का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव अपमानजनक जोक से लेकर भद्दी टिप्पणियों, शारीरिक हिंसा और यौनिक हमलों तक फैला हुआ है। वर्ष 2016 के उपरोक्त सर्वेक्षण के 2 साल पहले प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था कास्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अ सर्वे ऑफ कास्ट अमंग साउथ एशियन अमेरिकन्स। फिर वक्त यह नहीं बताया जा सकता कि सिस्को में जातिगत भेद के इस प्रसंग का परिणाम क्या होगा, लेकिन इस प्रसंग के बहाने फॉर्चून 500 कंपनियों में, जो दक्षिण एशिया से खासकर भारत से कार्यबल नियुक्त करने पर जोर देती हैं, लंबे समय से चली आ रही इस परिपाटी की तरफ लोगों का ध्यान गया है, जिसमें खुले या प्रचंड रूप से जाति भेद की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सिस्को के बहाने इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में एक मार्के की बात रेखांकित की गई है। उसके मुताबिक भारत के लोग जब विदेशों में जाते हैं तो वह अपनी कुशलताओं, अपनी तमन्नाओं के साथ गैर बराबरी के उस समूचे ढांचे को भी साथ ले जाते हैं
जिसमें जाति एक अहम कारक होती है, वे सभी जिन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों की मूल मान्यताओं पर गौर किया है, उनका समाज शास्त्रीय अध्ययन किया है, वह बता सकते हैं कि यह मामला कितना व्यापक है। एक दशक पुरानी हो चुकी ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि किस तरह वहां रोजगार और सेवाओं को प्रदान करने के मामले में दक्षिण एशिया से आने वाले लोग जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं। ब्रिटिश सरकार के समता विभाग की तरफ से किए गए इस सर्वेक्षण में पाया गया कि किस तरह वहां रह रहे 5 लाख एशियाई लोगों में यह स्थिति नजर आती है, जिसके लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। सरकार द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में चंद केस स्टडीज भी पेश किए गए, जिसमें शेड्यूल कास्ट तबके से संबंधित लोगों ने बताया कि किस तरह उन्हें उनके वरिष्ठ, जो ऊंची कही जाने वाली जातियों से ताल्लुक रखते हैं, के हाथों प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ब्रिटेन जैसे मुल्क में जहां दक्षिण एशियाई लोगों की काफी तादाद है, मामला इस कदर आगे बढ़ा था कि सरकार ने वहां रह रहे शेड्यूल कास्ट को झेलने पर रहे इस भेदभाव को लेकर कदम उठाने का ऐलान भी किया था। फिर उन्होंने दबाव में आकर इस मामले को 2 साल तक मुतलवी कर दिया। दबाव डालने वालों में वे हिंदू संगठन थे जो संसाधनों के मामले में अधिक संपन्न थे और जिनमें वर्चस्वशाली कही जाने वाली जातियों के लोगों का नेतृत्व था, और जिन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि शेड्यूल कास्ट ने व्यापक हिंदू एकता के उनके गठंत को चुनौती दी थी। विडम्बना ही है कि एक तरफ जाति की उपस्थिति और उसका निरंतर महिमामंडन, उसके अनुरूप आचरण करना, मगर दूसरी तरफ ऊंच नीच अनुक्रम पर टिकी इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करना, इस पाखंडपूर्ण आचरण के चलते कई बार भारतीय लोग विदेशों में भी हंसी का पात्र बनते दिखते हैं। मिसाल के तौर पर हम मलेशिया को देखें, जहां आबादी का 7% भारतीय मूल के लोग हैं, जिनका बहुलांश दक्षिण राज्यों से, खासकर तमिलनाडु से है। वहां भारतीयों का हिंड्रॉफ नामक एक बहुत बड़ा संगठन है। कुछ साल पहले खबर आई थी कि उपरोक्त संगठन के कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि मलेशिया के स्कूलों में बच्चों के अध्ययन के लिए जो उपन्यास पढ़ाया जाता है, वह कथित तौर पर भारत की छवि खराब कर रही है। आखिर उपरोक्त उपन्यास में ऐसी क्या बात लिखी गई थी जिससे वहां स्थित भारतीय मूल के लोग अपनी मातृभूमि की बदनामी के बारे में चिंतित हो उठे? अगर हम बारीकी से देखें तो इस उपन्यास में एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो तमिलनाडु से मलेशिया में किस्मत आजमाने आया था, और वह यह देखकर हैरान होता है कि अपनी मातृभूमि पर उसका जिन जातीय अत्याचारों से सावका पड़ता है, उसका नामो निशान यहां नहीं है। हिंड्रॉफ की आपत्ति के बाद वहां के अखबारों में इस बात को उजागर करते हुए लेख भी छपे, तथा यह बताया गया कि अपने यहां जिसे परंपरा के नाम पर महिमा मंडित करने में भारतीय लोग संकोच नहीं करते, ऊंच नीच अनुक्रम पर टिकी इस प्रणाली को मिली दैवी स्वीकृति की बात करते हैं, आज भी आबादी के बड़े हिस्से में 164 अलग अलग ढंग से छुआछूत का पालन करते हैं, वही बात अगर सरहद पार किसी उपन्यास में लिखी गई तो वह उन्हें अपमान क्यों मालूम पड़ती है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को एरिया के दक्षिण हिस्से में स्थित इस इलाके में दुनिया के सर्वाधिक बड़े टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के दफ्तर हैं, जिनमें कई भारतीयों ने अपनी मेधा से नाम कमाया है। मगर जब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना होने लगी, वहीं कैलिफोर्निया जो सिस्को के चलते चर्चा में है, तब हिंदू धर्म के बारे में एक ऐसी आदर्शकृत छवि किताबों में पेश की गई जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। अगर इन किताबों को पढ़कर कोई भारत आता तो उसके लिए जाति अत्याचार न कोई मायने रखता, न स्त्रियों के साथ दोयम व्यवहार कोई मायने रखता। जाहिर है हिंदू धर्म ऐसी आदर्शकृत छवि पेश करने में रूढ़िवादी किस्म की मानसिकता के लोगों का हाथ था, जिन्हें इसके वर्णन मात्र से भारत की बदनामी होने का डर सता रहा था। साफ था इनमें से अधिकतर ऊंची कही जाने वाली जातियों में से थे। इस समूचे मसले को लेकर शेड्यूल कास्ट ट्रांसमीडिया आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट थानमोजी सोदराजन का एक आलेख काफी प्रासंगिक है। खैर, मलेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन तीनों स्थानों पर स्थित भारतीयों का यह व्यवहार निश्चित ही हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। विदेशों में बसे भारतीयों में भी अगर जाति की इतनी जकड़ दिखाई देती है तो हम भारत के अंदर की कल्पना ही कर सकते हैं। जी अलॉयसियस अपनी किताब द ब्रैमनिकल इंस्क्राइब्ड इन बॉडी पॉलिटिक में आधुनिक प्रत्ययों में आज भी किए जा रहे जाति के गुणगान का जिक्र करते हैं। ऐसे लेखकों की कमी नहीं है जो जाति को महिमा मंडित करते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मणवाद की भाषा में ही उसे अंजाम देते हैं।
जिनका तर्क यह होता है कि वर्ण व्यवस्था एक तरह से बहुसंस्कृतिवाद का ही एक सूक्ष्म रूप है। पर्यावरणीय प्रबंधन का शिखर, अनियंत्रित व्यक्तिवाद का स्वास्थ्य प्रतिकारक आदि। दूसरे एक अन्य समूह भी हैं जो संभवतः दंभिक किस्म के उत्तर आधुनिकतावाद से प्रेरित हैं या हिंदू धर्म के अंदर से ही अध्ययन करने का दावा करते हैं। वहाँ जब भी भेदभाव की स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण स्तर तक पहुँच जाती हैं, अर्थात जब ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का सवाल आता है, तब भिन्नता पर जोर देने लगते हैं। एक तीसरी धारा अधिक व्यापक है, जो रक्त संबंध, नातेदारी संस्था या अंतरविवाही समूह के तौर पर जाति के वैभव के बारे में, सुख सुविधाओं के तौर पर जाति, नागरिकता हासिल करने के साधन के तौर पर जाति और अंततः पहचान के तौर पर जाति की बात करती हैं। जाहिर है भारतीयों के मानस में व्याप्त यह दोहरापन ही है, जहां वह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर होने वाली जातियों से उदेलित दिखते हैं, लेकिन अपने यहाँ के शिक्षण संस्थानों में आए दिन SC/ST या अल्पसंख्यक तबके के छात्रों के साथ होने वाली जातियों को सहज बोध का हिस्सा मानकर चलते रहते हैं।